जय श्री राम, जय मुंडो मालिनी। मैं योगी श्री प्रकाश नाथ तंत्र गुरु चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। मेरे मित्रों, आज का एक अलग टॉपिक, अलग विषय आप लोगों के लिए लेके आया हूं। मैं वशीकरण में 101% गारंटी क्यों नहीं देता, 100% गारंटी क्यों नहीं देता। और एक विषय देवता, विशेष दो विषय के ऊपर बहुत ज्यादा हंसते हैं जब इंसान उस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। क्या आप लोगों को पता है देवता कब हंसते हैं? अगर नहीं पता है तो ये वीडियो में आप लोगों को पता लग जाएगा। और ये कोई मेरा बना हुआ बात नहीं है, ये एक विशेष महासिद्ध पुरुष का बात है। कुली काल में श्रेष्ठ तांत्रिक, जिसको बोलते हैं श्रेष्ठ तांत्रिक, कुली काल में श्रेष्ठ तांत्रिक जो भगवान श्री कृष्ण के बाद आए, श्रेष्ठ तांत्रिक भगवान श्री कृष्ण 64 दिन में 64 पुकड़ का विद्या सीख के गए थे कुली काल में। ऐसे एक सिद्ध महापुरुष जन्म ग्रहण किए थे बंगाल में, जिसका नाम है ठाकुर श्री श्री रामकृष्ण परमहंस देव, जो 64 विद्या का सिद्ध करके गए, जो विष्णुकांत में 64 तांत्रिक विद्या है, जो 64 तांत्रिक विद्या को सिद्ध करके दिखा के गए थे। हाँ, ऐसा होता है तंत्र विद्या। ऐसे ऐसे बहुत सिद्ध महापुरुष जन्म ग्रहण किए हैं भारतवर्ष में, जो कोई एक विशेष विद्या के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापन किए, लेकिन 64 विद्या के मालिक एकमात्र भगवान श्री कृष्ण और उनके बाद ठाकुर श्री रामकृष्ण करके दिखा के गए। भगवान श्री कृष्ण भी करके दिखा के गए। सांडीपुनि आश्रम में आप लोग जाएंगे तो बहुत सुंदर चित्र के माध्यम से दिखाया गया है, आप लोग को अभी भी देखने के लिए मिलेगा। और ठाकुर श्री रामकृष्ण का कथामृत अगर पढ़ेंगे उनको भी आप लोग को मिलेगा। तो आज ये बहुत ही अद्भुत टॉपिक के ऊपर टॉपिक है आप लोगों के लिए। आप लोग वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आज का कंटेंट अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन बेल कॉल कीजिए। चलिए मैं आज का कंटेंट शुरू करता हूं। तो मित्रों, मैं 100% गारंटी क्यों नहीं देता। कई लोग आके बोलते हैं, गुरु जी आप 100% क्यों नहीं देते, 100% क्यों नहीं बोलते, लोग तो 100% बोलते हैं। मैं सब लोगों को बोलता हूं, मैं कोशिश कर सकता हूं, 101% कोशिश कर सकता हूं, ये मेरे में है, ये मेरा सामर्थ्य है, 100% मैं नहीं दे सकता। इसका कारण मैं आगे आप लोगों को बता रहा हूं क्यों नहीं देता हूं मैं। लोग तो देते हैं, अगर मैं 100% आप लोगों को बोल दिया, मेरे जजमान आप है, आप बोले गुरु जी मेरा आप काम कीजिए, मैं आपको 4,000 रुपया देता हूं, 100% होगा, 100% होगा। 10 दिन 12 दिन या 15 दिन या मेरा काम का जितना भी समय लगता है, उसके समय के बाद फोन लाए, गुरु जी मेरा काम तो नहीं हुआ, ठीक है, मैं क्या बोलूंगा, एक बार दो बार घुमाऊंगा उसके बाद फोन नंबर ब्लॉक कर दूंगा। यह है 100% का नमूना। तो मैं किसी से झूठ बोलना ना पिता माता ना मेरा गुरु ने मुझे सिखाया है। मेरे हाथ में कर्म करता हूं, दक्षिणा लेता हूं, जजमान को सीधा बोल देता हूं, मैं इतना कर सकता हूं तुम्हारे लिए, अगर तुम्हें मंजूर है तो आगे आओ, नहीं है तो बहुत सारे लोग हैं काम करने के लिए, तो बहुत सारे लोग हैं, पंडित तो पृथ्वी में बहुत है, किसी से भी काम करवा सकता है, लेकिन मैं सत्य से आधारित होकर ही काम करूंगा। किसी को झूठा दिलासा नहीं देता हूं मैं, मैं कोई जादूगर हूं नहीं, ना मैं कोई सिद्ध पुरुष हूं, ना मैं कोई अवतार पुरुष हूं, ठीक है। जो गोरखनाथ जी किसी को छू लेंगे, ठाकुर रामकृष्ण किसी को छू लेंगे तो सोना बन जाएगा, वो तुरंत हो जाएगा, और तुरंत साधारण इंसान से महापुरुष बन जाएगा। इन लोगों का चमत्कार अवतार पुरुष है ये, मैं कोई अवतार पुरुष नहीं है, मैं कोई देवता का मानस पुत्र भी नहीं हूं। ऐसे कई आप लोगों को देखेगा जो भगवान शिव का रूप मानते हैं, माँ दुर्गा का रूप हो जाते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे देवता का रूप हो जाते हैं। तो ना मैं ऐसा कुछ हूँ, जो भी बोलता हूँ स्ट्रेट बोलता हूँ, मैं कर्मकांडी हूँ, मैं अनुष्ठान करता हूँ, मैं अपने अनुष्ठान के ऊपर विश्वास रखता हूँ। मैं आप लोगों के लिए मेहनत से अनुष्ठान कर सकता हूँ, चाहे आप लोग प्रेजेंट रही मेरे सामने, मैं अपने हर यजमान को बोलता हूँ आओ सामने अनुष्ठान तुम्हारा कर सकता हूँ, इतना मेरे में शक्ति है, इतना गुरु का सीखा हुआ विद्या मेरे पास है कि हाँ मैं जो कर्म करूंगा मेरे यजमान मेरे सामने बैठ कर रहे और अनुष्ठान देखे, कोई लुका छुपी का खेल नहीं है मेरा, इतना मैं कर सकता हूँ। लेकिन 100% मैं झूठा दिलासा किसी को दे नहीं सकता, 100% का मेरा वाक्य शब्द है ब्रह्म। मैं अगर बोल दिया, ईश्वर ऊपर बैठकर हंसेगा, क्यों हंसेगा मैं आगे आप लोगों को बता रहा, आप लोग समझिए। बाकी लोग, मैं पहले भी आप लोगों को बोला, ये जो कपड़ा पहन के रखा हूं मैं, मेहनत से कमाया हुआ ये वस्त्र है, मेहनत से कमाया हुआ वस्त्र है, गुरु ने मुझे उपहार स्वरूप ये वस्त्र दिया, अधिकार दिया है। कपड़ा तो कोई भी पहन सकता है, लाल कपड़ा तो आप बाजार से अभी जाएंगे, लाल कपड़ा दीजिए 10 मीटर 5 मीटर लाल कपड़ा खरीद के पहन ली, ये कपड़ा जो है मेहनत से कमाया हुआ है, गुरु ने मुझे ये कपड़ा दिया है, अधिकार, इसको बोलते हैं अधिकार। लंगोट पहनने का कोपिन, लंगोट पहनने का भी एक गुरु का अधिकार होना चाहिए, लंगोट पहनने का भी एक मंत्र है, जो लोग जानते जो लोग वीडियो देख जानते हैं, लंगोट पहनने का मंत्र, वस्त्र पहनने का भी मंत्र है, जैसे दिया जलाने का मंत्र है, धूप देने का मंत्र है, ऐसे वस्त्र पहनने का भी मंत्र है।
ठीक है, जनेऊ धारण करने का भी एक मंत्र है, ऐसे हर चीज का मंत्र, इसलिए वस्त्र पहनने का जो ये अधिकार है मेरे गुरु ने दिया है। ये जो अनुष्ठान में आप लोगों को बताता हूं ये सभी जो चीज बता, इसलिए असत्य के ऊपर मैं आप लोगों को कोई चीज बता नहीं सकता, कहीं वो मेरा धर्म के विपक्ष है, मुझे धर्म खिला रहा है, मेरा पालन पोषण, मेरा जीवन, मेरे परिवार का भरण पोषण धर्म कर रहा है, इसलिए मैं धर्म का लेके चल रहा हूं। अधार्मिक कार्य मैं नहीं कर सकती, लेकिन किसी का पड़ा पत्नी को वशीकरण नहीं कर सकता है, आंटी को, भाभी को, पड़ोसी को वशीकरण करने के लिए जो व्यक्ति फोन लगाता है सीधा काट देता हूं। आप लोग भी अगर मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो कभी कॉल लगा कर जरूर देखिएगा जो आंटी भाभी पड़ोसी का वशीकरण मेरे चैनल पे होता है कि नहीं, एक बार जज करने के लिए मुझे जो गुरु जी जो फोन पर टीवी पे बताते हैं चैनल पे जो बताते हो सत्य है कि झूठ है, एक बार फोन लगे, एक बार क्या 10 बार फोन लगा कर देखिए आंटी भाभी पड़ोसी का वशीकरण गुरु जी के चैनल पे होता है नहीं, विवाहित स्त्री का चैनल वशीकरण गुरु जी के चैनल पे नहीं होता है कि नहीं, मैं एकदम सीना ठोक के बोलता हूँ। ये जो चीज मैं बोलता हूँ जो आप लोगों को मैं बोलूंगा वो मेरा सत्य के ऊपर ही खड़ा है और कभी भी उसको बदल नहीं सकता मैं, ये मेरा बेस है, ये मेरा पिलर है, इसी के ऊपर मैं खड़ा हूँ। धर्म ही मुझे खिला रहा है, पिला रहा है और मेरा जीवन धारण और मेरे परिवार का भी जीविका धर्म से चल रहा है। इसे अधार्मिक काम नहीं कर सकते, असत्य नहीं बोल सकता, 101% गारंटी देकर 2-3 बार मुंह घुमाना, मुंह छुपाना या फोन नंबर बंद करना मेरे पिता माता मेरे गुरु ने सिखाया नहीं। सीधा काम करता हूँ, सीधा मुंह के ऊपर बोलता हूँ, ये मेरे से इतना हो सकता है। अनुष्ठान करने के बाद मैं कोशिश कर सकता हूँ, कोशिश इंसान को क्या है, झूठ सुनने में ज्यादा तालियां मिलता है, झूठ 100% गुरुजी 100% हो जाए, 1 करोड% हो जाए, इंसान खुश, पब्लिक खुश, 1 करोड़ पर गुरुजी बोले 1 करोड़, उसका उसके बाद जो 10 दिन के बाद जो फोन लगे वो गुरुजी तो कुछ उल्टा सीधा समझाने के लिए लगेगा, तब क्या हो, वो गुरुजी का 1 करोड़% गारंटी का क्या हुआ। मैं जब बोलता हूँ किसी को जो 101% में कोशिश, अरे गुरुजी कोशिश करने के लिए गुरुजी का दक्षिणा दो, नहीं तो खुद कोशिश, मैं तो सब पहले ही बोलता हूँ खुद कोशिश करोगे तो फ्री में होगा, करवाओगे तो दक्षिणा लगेगा, अगर तुम करोगे तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, क्या अनुष्ठान तुम्हारा है तुम खुद करो, मैं अगर तुम्हारा वरण ग्रहण करूंगा, बंगला में वरण बोलते हैं, शायद हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, मैं अगर तुम्हारा वरण को ग्रहण करूंगा, जजमान अगर मेरे तुम बनते हो तो जरूर पंडित को तुम्हें दक्षिणा देना पड़ेगा, ये हर जगह में यही नियम है, हर धर्म में यही नियम है, तो इसमें गलत क्या है, झूठ मैं बोल नहीं सकता, सीधा इसलिए बोलता हूं मैं, उसके बाद भी कुछ लोगों को खराब लग जाता है और एजेंसी वाले लोग आकर गाली देते हैं, इसीलिए मैं अभी सोचा हूँ और किसी को समझने का जरूरत नहीं, मैं काफी वीडियो में आप लोगों को बहुत सी चीज समझा चुका हूँ, आगे आप लोगों का इच्छा है, आप लोग जैसा भी आप लोगों को ठीक लगे आप लोग कीजिए। अभी मैं 2 विशेष उदाहरण देने जा रहा हूं, मैं किस लिए ये नहीं बोलता, 101% गारंटी नहीं देता, का देवता मैं ऐसा कोई कर्म नहीं करता जिससे मेरा गुरु बदनाम हो, जिससे मेरा पिता माता बदनाम हो, जिससे मेरा कुल, मैं एक परंपरा से जुड़ा हुआ, एक कुल से जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है, सारे भारतवर्ष में जितने नाथ परंपरा के आश्रम है, स्थान है, गुरु गोरख में जो स्थान है, मेरे गुरु के आशीर्वाद से हर स्थान में, हर परंपरा के हर आश्रम में मैं जा सकता हूँ, रह सकता हूँ, हर हर नाथ जी के पास मैं बैठ सकता हूँ, इतना मेरे गुरु जी का कृपा है, आशीर्वाद है, इसी वजह से मैं झूठ नहीं बोल सकता किसी के सामने। ठाकुर श्री रामकृष्ण बोले थे देवता 2 जगह पर हंसते हैं, जब एक डॉक्टर अपने मरीज को बोलता है तुम बिल्कुल चिंता मत करो मैं तुम्हें बचा लूंगा, ऊपर से देवता हंसता है सुनकर, देवता ये बोलता है यारे उसको मैं मार रहा हूं तू उसको कैसे बचाएगा। अब सोचिए बचाने वाला वो कौन होता है, डॉक्टर नहीं, देवता ऊपर से बोल रहा है जी उसको मैं मार रहा हूं तू कौन है उसको बचाने वाला। ये गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, 2 भाई में आपस में जमीन को लेकर लड़ाई चल रहा है, वो बोला ये मेरा जमीन है, वो बोला ये मेरा जमीन है, ये पार्ट मेरा है, वो पार्ट मेरा है, वो बोला नहीं पूरा पार्ट ही मेरा है, देवता ऊपर से हंस रहा है अरे ये तेरा जमीन भी नहीं है, तेरा भी जमीन नहीं है, मेरा जमीन है, कुछ भी लेकर नहीं जा सकेगा, जब जाएगा हाथ में सुन्न रहेगा, आया था अभी तब भी सुन्न, जाएगा भी सुन्न, ऊपर से देवता बैठ के हंस रहा है। तो ये 2 जगह पे देवता हंसता है, ठाकुर श्री रामकृष्ण का कथामृत में सीधा उल्लेख है, ठाकुर श्री निजे खुद अपने जवान से बोले तो मैं ऐसा कोई जवान नहीं देता, ऐसा कोई वाक्य अपने मुंह से नहीं बोलना चाहता हूं जिससे देवता मेरे ऊपर हंसे, मूर्ख क्या बोल रहा है, उसका विवाह तो एक्स का विवाह, अभी एक्स आया मेरे पास जजमान, गुरु जी मैं वाई से बहुत ज्यादा प्रेम करता हूं, तो मैं बोला 100% गारंटी के साथ वाई के साथ तुम्हारा विवाह दे के दूंगा, तो मुझे इतना दक्षिणा दे दो, ऊपर से देवता हंसेगा अरे मूर्ख वाई के साथ उसका विवाह नहीं होगा, जेठ के साथ विवाह होगा, ऊपर से देवता हंसेगा, देवता ताली देगा क्या बोल रहे तू,
उसका वाई के साथ विवाह नहीं है, जेड के साथ विवाह है। इसलिए मैं अपने जजमान को बोलता हूं, तुम्हारा मनोकामना पूर्ति के लिए मैं 101% कोशिश कर सकता हूं, ईश्वर का क्या इच्छा है, मैं अंतर्जामी नहीं हूं, मेरे पास आंख जलता नहीं है, यहां पर थर्ड आई। ऐसे कई सारे लोग ऐसे थर्ड आई जलाकर को बहुत कुछ हो सकता है, फोटो देखकर बता सकते हैं इसके साथ विवाह होगा नहीं। कई लोग आकर बोलते हैं गुरु जी फोटो देखकर बता सकते हैं, नाम सुनकर बता सकते हैं, इत्यादि कई प्रकार का कहानी दिन भर में सुनने के लिए मुझे मिलता है। मेरे पास नहीं है ये सब, ना फोटो देखकर, ना मेरे पास थर्ड आई है, ना पीछे आंख है, ना कुछ और भी जगह पर चारों ओर से आंख लगा हुआ है, ये सब देखकर नहीं है बता सकता मैं ईश्वर को हंसाना नहीं चाहता, इसलिए 101% नहीं बोलता, मैं कोशिश कर सकता हूँ। अगर आप लोगों को मेरे से काम करवाना है तो मैं कोशिश कर सकता हूँ, अगर आप लोग कोशिश करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, मैं कोशिश करूंगा तो जगसेना जरूर लूंगा, ये मेरा पेशा है, जीविका है। मैं एक पंडित हूँ, मैं एक पुजारी हूँ, मैं एक तांत्रिक हूँ, कर्म कांड मेरा पेशा है, अनुष्ठान करूंगा, दक्षिणा लूंगा, आगे आप लोगों का इच्छा। आज का कॉन्टेंट अगर आप लोगों को कुछ समझ में आया, कुछ अच्छा लगा, कुछ विषय वस्तु कुछ जानने के लिए, कुछ समझने के लिए, कुछ विषय वस्तु कुछ मिला आप लोगों को आज का कॉन्टेंट में, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। मैं इतना आशा करता हूँ जो भी कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आता हो उसमें कुछ ना कुछ मसाला जरूर होता है, कुछ ना कुछ सीखने के लिए, कुछ ना कुछ जानने के लिए आप लोगों को जरूर मिलेगा। आगे आप लोगों का इच्छा, वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। एजेंसी वाले लोग तो दिन भर में बहुत सारे लोग आकर गाली देते हैं, मैसेज करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, तो मेरे जो व्यूअर्स है, मेरा जो दर्शक है, जो मेरे चैनल को पसंद करते हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, तो जरूर अपने जो मत है, अपना जो विचार है, कमेंट के जरिए जरूर अपने सामने रखिए, लाइक के जरूर जरूर सामने रखिए। इससे क्या होगा, जो नेगेटिव लोग हैं, जो चाहते हैं मैं ना बोलूं, सत्य ना बोलूं, झूठ बोल लोगों के जैसे झूठ बोलूं, वो लोगों का मुंह सील हो जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूं, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कॉमेंट के जरिए पब्लिक को ये बताइए जी हाँ आपका वीडियो मुझे पसंद आया, पसंद नहीं आया तो कारण भी जरूर लिखिए, वैलिड रीजन लिखिए, वैलिड रीजन लिखिए कारण। अगर पसंद नहीं आया, मैं अनुष्ठान करने के लिए 9 तारीख जा रहा हूं, जिन लोगों को मिलने का इच्छा है आइए तारापीठ, अनुष्ठान होगा, सबके सामने अनुष्ठान होगा, आप लोग अनुष्ठान बैठ के देख सकते हैं। आज का वीडियो में इतना ही, मैं फिर मिलता आपसे एक नया वीडियो में, तब तक घर में रहिए, सेफ रहिए, हरिओम तत्सत।